इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो दिन पहले कोरोना के नए केसों में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन दो दिन से कोरोना केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,76,000 नए केस सामने आए, जो एक दिन पहले के आंकड़े से 8,800 ज्यादा है। लेकिन आज मौत के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। कल 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज 3,876 लोग मौत के मुंह में समा गए। ये एक दिन पहले की तुलना में 653 कम है। करीब 7 दिन के बाद मौत के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई। इससे पहले 14 मई को इतनी कम मौतें रिकॉर्ड की गई थी। 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए और अब देश में एक्टिव केस हैं 31,25,000। राज्यों में कोरोना के नए केसों की बात करें तो महाराष्ट्र की स्थिति लगातार सुधर रही है, जबकि साउथ के राज्यों में लगातार केस बढ़ रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा केस तमिलनाडु में रिकॉर्ड किए गए। 24 घंटे में वहां 34,875 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 365 की जान चली गई। केरल में 32,700 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और 112 लोग मौत के मुंह में समा गए। कर्नाटक में 34,200 लोग महामारी की चपेट में आए और 468 लोगों ने जान गंवा दी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 34,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 600 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक दिन पहले की तुलना में आज डेथ रेट में 40% की कमी दर्ज की गई। दिल्ली में भी लगातार केस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में राजधानी में 3,800 नए केस रजिस्टर हुए। 4 अप्रैल के बाद दिल्ली में इतने कम केस आए। वहीं दिल्ली में कल 235 लोगों की जान चली गई। यूपी में भी केस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में वहां 7,186 लोग कोरोना की चपेट में आए और 280 की जान चली गई। बिहार में 6,000 नए केस आए और 104 लोगों ने दम तोड़ दिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।